नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बड़ी खबर एक आपको बता दें कि मोदी सरकार की कैबिनेट में हुए बड़े बदलाव। राजनीतिक फेरबदल के बाद यूपी से 7 नए नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, जिसमें एक नाम मोहनलालगंज सीट से सांसद कौशल किशोर का भी है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति विंग के राज्य प्रमुख और पूर्व समाजवादी पार्टी नेता किशोर का केंद्रीय मंत्री बनना आपको साधारण खबर लग सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, ध्यान देने लायक खबर तो ये है कि सांसद कौशल किशोर अक्सर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नाकाम बताते हैं। उनकी मनमानी को, उनके शासन की अव्यवस्था को लगातार सामने लाने का काम भी करते हैं। जैसा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में भी सीएम आदित्यनाथ के कुप्रबंधन पर अपना रोष जताते रहे हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूपी विधानसभा चुनाव में पूर्व सांसद कौशल किशोर को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके पीएम मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ को कोई संदेश देना चाहते हैं? यह एक बड़ा सवाल है। दरअसल जब वो कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते यूपी में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा हुआ था, तब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल की सलाह पर ऑक्सीजन सिलेंडर को खरीदने से दोबारा भरवाने के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य कर दिया था। यानी डॉक्टर जब लिखेगा तभी ऑक्सीजन दिया जाएगा। राज्य की जनता को पहले ही अस्पतालों के बेड और इलाज नहीं मिल रहा था और इसी फैसले के बाद वो अपने होम क्वारंटाइन किए गए परिजनों के लिए ऑक्सीजन भी नहीं खरीद पा रहे थे। तो कौशल किशोर ने इस फैसले पर जमकर योगी सरकार का विरोध किया था। इसके अलावा सांसद ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए योगी सरकार के कुप्रबंधन के खिलाफ मूल रूप से आवाज उठाई थी। कोरोना महामारी के कारण किशोर ने अप्रैल महीने में अपने बड़े भाई को भी खो दिया था, जिसके बाद वो लगातार योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हुए थे। लेकिन अब वही कौशल योगी से हटके, जो कि यूपी में थे, जो यूपी की सरकार की बेइज्जती किया करते थे, अब वो मोदी के कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं। तो इसको हम क्या समझ सकते हैं? क्या मोदी की ये कोई चाल है या फिर उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए यह योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार के लिए एक तालमेल है, जिसके वजह से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हो और फिर से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बने, यही सामने समझ में आ रहा है। और यही लग रहा है कि जो पूरे कैबिनेट विस्तार हुआ है वो कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए किया गया है।